नमस्कार दोस्तों, आज हम यूटेट की आंसर की देखेंगे। यूटेट का जो प्राइमरी लेवल वाला पोर्शन है उसमें जो मैथमेटिक्स वाला है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मे बी जो आपका सेट है उसमें क्वेश्चन नंबर 91 दूसरा हो, आप इसे मिला लीजिएगा। तो 91 क्वेश्चन है, 4/9, 10/21 एंड 20/63 का SCF यानी महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसका आंसर है बी, बी यानी 2/63। 92 है कि एक एक करके पहले 20% का, फिर 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो टोटल कितने डिस्काउंट होगा। तो इसका आंसर है सी यानी 32%। अगर इफ़ यू वांट डिटेल सॉल्यूशन, आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक नंबर दे दूँगी, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 93 है कि ए बी सी का माध्य एम है तथा ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य होगा। तो इसका आंसर है 93 का बी यानी 3m². 94 है उसके बाद, दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो इसका आंसर, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है, तो 94 का जो आंसर है वो है 28, 28 यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 95 है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो एक्स का मान होगा। तो 95 का आंसर है ए, ए यानी 25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यदि बिंदु ए से बी तक जाने में आपकी कार की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपकी औसत चाल कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन है 96, 96 का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97, यदि एक व्यक्ति नदी के बहाव की दिशा में नाव को 8 किलोमीटर चलता है और बहाव के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, तो आपको नदी के बहाव की गति बतानी है। तो 97 का जो आंसर है ए, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 98 है कि 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 9:10 हो जाए। तो इसका आंसर है 98 का डी यानी 12 लीटर पानी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, पिता की उम्र पुत्र से दुगनी है, 20 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र से 12 गुना ज़्यादा उम्रदार था, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो दोनों की वर्तमान उम्र होगी बी यानी 44 और 22, 99 का बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 100 का जो आंसर है 8% वार्षिक दर से 10,000 रुपये का 9 महीने का ब्याज, 9 महीने का निकालना है। तो 100 का आंसर है आपका डी, 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, 101, यदि 3x² - 6a + a x - 2 से विभाजित हो जाता है तो आपको a का मान निकालना है। तो a का मान 101 के लिए आ रहा है 0 यानी c, 101 का आंसर है c। उसके बाद है 102, ये 3 अंकों की कुल संख्या है, कुल कितनी संख्या है जो 106 जो 6 से विभाजित हो जाती हैं, तो 102 का आंसर है आपका c यानी 150 संख्याएँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 103 का आंसर है आपका कि एक कक्षा में 20 छात्र फिजिक्स और 17 गणित और 12 जो दोनों पढ़ते हैं, 10 छात्र अन्य विषय पढ़ते हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो 103 का आंसर है आपका बी यानी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है तो ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद है 105, 105 का आपका आंसर है कि 3 पदों के लिए कुल 7 पदों को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, इसका आंसर है आपका डी यानी 210। उसके बाद है 106, 106 का आंसर है आपका सी, 4 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 107, यदि आयत की लंबाई को दुगना और चौड़ाई को आधा किया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा 0%। और आगे हम कर नेक्स्ट है 113, गणित अधिगम में आकलन के लिए नींव का कार्य निम्न में से कौन सा शैक्षिक सिद्धांत करता है, तो इसका आंसर है ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट 114 है, गणित अधिगम के आकलन में कौन सा सही नहीं है, तो ये है पक्षता का सिद्धांत। 115 है, निम्न में से गणित अधिगम में स्व आकलन की तकनीक है, तो स्व आकलन की जो तकनीक है इसमें 115 में ये हैं सारी, सारे के सारे इसमें यूज़ होते हैं। उसके बाद है 116, निम्न में से गणित शिक्षा की मुख्य विशेषता है, तो गणित शिक्षा की जो 116 में विशेषता है वो है सटीक अभिव्यक्ति, जो भाषा का प्रयोग होता है वो उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, इसका आंसर है हमारा ए यानी 49 बचे
50। उसके बाद है 118 की वर्ष 2020 में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी, तो इसका आंसर है हमारा 2/7। 119 से 119 को सरल करके आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक सही 6/17। उसके बाद है 120, 120 का जो आंसर है वो है सी, सी यानी +-1/2। इसमें से कुछ क्वेश्चन मिसिंग है मेरे पास, ये किसी स्टूडेंट ने मुझे पेपर भेजा था, तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं दूसरा पर्यावरण वाले आंसर की बताने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, यस रिजल्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।